बालोतरा जिला में अब नगर परिषद व प्रशासन की नींद खुली है या आम जनता को झांसे में ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। जब नगर पार्षदों का कार्यकाल था तब 5 वर्ष यूं ही गफलत में गुजार दिए। लोग बता रहे हैं कि हर गली और वार्ड में टूटी फूटी सड़कें हैं, जहां चलना भी मुश्किल है। थोड़ा इधर तो थोड़ा उधर करके सड़क निर्माण का कार्य चालू किया गया है, वह काम भी धीमी गति से चल रहा है। राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। ये लोग आम जनता का दर्द समझ रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं, यह तो नगर परिषद के कार्मिक ही जानते हैं। जो कार्य समय पर करना था उसे समय बीत जाने के बाद करके लोगों के वोट लुभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कई मतदाता बता रहे हैं कि आखिर मतदाताओं के लिए यह आंख मिचोली का खेल राजनीति करने वाले लोग क्यों खेलते हैं, यह सब कुछ समझ से परे है। बालोतरा से जगदीश जोगसन की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज बात की जाए वार्ड संख्या 37 की, जहां पर आपको ये सड़क निर्माण का कार्य अभी 5 साल, आज 25 नवंबर 2024 को अभी ये कार्य चल रहा है और हम बातचीत भी करेंगे। यहां हमारे साथ बुजुर्ग बैठे आदमी से बातचीत करेंगे यहां कि यहां क्या क्या तकलीफ हो रही है। 5 साल पूरे हुए, 5 सालों में कभी ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अभी जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ये इसका क्या कारण है? अब चलेंगे हम। बातचीत करेंगे। यहाँ देखो ये खादे कीचड़ से ये बड़े परेशान हैं और ये बैठे हैं, अभी बातचीत करेंगे। यहाँ की क्या हालत है? बादशाह आप शुभ नाम का है? दुर्गा प्रसाद पालीवाल। दुर्गा राम जी, आपका दुर्गा प्रकाश जी, यहाँ का आपका कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? 30 साल से। सर ये अभी जो ये रोड बनने का कारण क्या आप बता सकते हैं? सर हमें लास्ट में जावते हो जाए भाई, कार्यकाल पूरा भेरी हो सको। मैंने जब दुनिया ने पागल बनावनी, मैं कराए फॉर्म, बाकी यात्रा भर कटे गया था कराउन नाला फॉर्म भरनो कर, हम भी जो कोई करनो कोई कमीशन रो है जो कमीशन मिलबो कर। इतना दिन तो खुला कहता कि मां जो 5 करोड़ खर्च करिया जे लेना, 5 करोड़ खर्च के वसूल करना, जब वसूल करो हमें लगा इतना दिन होया कुंजो हमें वसूल करे वसूल हो। ये सर आपरो शुभ नाम? सर भवानी सिंह मेड़तिया। भवानी सिंह जी, सर इसके बारे में ये अभी जो रोड बन रही है, आप यहाँ बैठे हो और काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो मेरे अंदाज से, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हो? गांव पब्लिक ने फोड़ा पड़िया ये और हमें कादो जो आएंगे पग भरी जाए, मोटरसाइकिल आना पड़े नीचा। और सर पास में भगवती स्कूल है, वो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और परेशान हो रहे हैं। ये मेरे हिसाब से या गर्मियों की या छुट्टियों में होना चाहिए, सर्दियों की छुट्टी में होना चाहिए तो अच्छा रहता है। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? बच्चों की चिंता भी थोड़ी करे, पर उनकी जनता की या बच्चों की आज आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं उनको, बस अपना वो क्या अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ये दिन खड्डों में व्हीकल चला जा रहा है, गिर गिर के भागे हमें जो मुडिया बाड़ी पड़े नीचे। पाइपलाइन लगाई चार दिन पसी करनी थी। सर बात की जाए, यहाँ पानी की पाइपलाइन अभी बाकी है क्या? बाकी है। यहाँ बैठे बुजुर्ग आदमी ये कह रहे हैं यहाँ पे पाइपलाइन पानी की बाकी है, ये वापस अभी जो आपको सड़क का निर्माण होते है, रोड का निर्माण होते हैं, फिर इन बाद में पाइपलाइन पानी की डालने के लिए तोड़ी जाएगी, तो ये जनता की बेवकूफी बना कर पैसे लिए जा रहे है जनता से। खाली कमीशनर खातर वो करियो, बाकी अटा टाइम 5 साल गुजारिया में तो खाडा ने मैं पड़िया थे, हाथ हाथ खाडा पड़िया था, कोई पूछो बड़ो को तो ले अब आ रहे हैं। देखो ये बुजुर्ग आदमी से बातचीत करेंगे, कितने आ जाने में परेशानी हो रही है। सर आप यहाँ कितने निवासी? सर लारू पास को करें बरसात में पानी भरा, आप नकाया
आपके घर के पैसों से हमने ट्रक कंकरी डलवाई सो आपने कभी मीडिया वाले को और कुछ जनता को किस शिकायत की है नहीं? वार्ड मेंबर को कहते हैं, वार्ड मेंबर सुनाई नहीं करते। अभी वार्ड मेंबर आपके वार्ड मेंबर कौन है सर? रावता जी। कहाँ पे है? सामने वाली गली में। ठीक है सर, हम अभी आए हैं। कितनी दूर तक ये रोड का खादा किचन सर रास्ता कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना टाइम लंबा होगा ये? बहुत टाइम होगा सर, ये रास्ता बेकार है बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल रास्ता बेकार है, अभी गिरा होता हम रास्ता में। हाँ तो बिल्कुल बेकार हो रहा है, बहुत दिन होगा इसको रास्ता। कितना टाइम से ये साहब? कम से कम और अभी भी और आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। सर आपका शुभ नाम और परिचय? भरत पटेल। आप कहाँ रहते हैं सर? एम आई फैक्ट्री। आप यहाँ से कितने दूर से आ रहे हो? 1 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर। और ये रोड अभी बन रहा है, 5 साल कार्यक्रम पूरे होने आए हैं। वार्ड मेंबर पद कल खत्म हो जाएगा, चेयरमैन का पद कल खत्म हो जाएगा और अभी रोड बन रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप यू ऑफ इंडी हो। हाँ सर सही बात है। तो अब उनको क्या नींद, कौन सी नींद से वो जागे? इलेक्शन आए इलेक्शन करा रहे काम से बात की है। इलेक्शन आए आप पहली बार मत देने वाले हो कि आप पहले और दिया है? पहली बार मत देने। आप इस यू ऑफ इंडी को लेकर ये नगर परिषद में ये जो फोर्डर रोड है इसके बारे में आपके क्या जानकारी देने सर? हाँ पूरे होने हैं अभी, वो जो रोड बना रहे ये अब ऑर्डर कौन सा ऑर्डर निकाला है इन्होंने सर? ये अभी आप यहीं से आ रहे हो? हाँ तो सर अब 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब ये प्रशासन की नींद खुली है, इसके बारे में क्या करना है? अभी इलेक्शन है इसलिए अभी रोड बन गई है, पहले रोड नहीं थी। तो इलेक्शन तो पूरे हुए होने वाले हैं, 5 साल पूरे हुए हैं, तो इनकी 5 साल में क्या किया इन्होंने? अभी ऐसा है कि सर अभी नजदीक आ रहे इलेक्शन, अभी रोड बन रहे हैं, इलेक्शन हो गए तभी वोट मिलेगा, इसलिए राजनीति है बना रहे आपको और बेवकूफ बना रहे। ये बात हुई ना कि 5 सालों में अभी काम नहीं किया, अब 5 सालों में अब बता रहे कि हम काम करेंगे। हमारे इधर तो गली में तो कोई 5 साल में कोई काम हुआ नहीं है, कोई लाइट का हुआ नहीं, कोई पानी का हुआ नहीं है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं अभी काम हो रहा है, इसलिए बेवकूफ बना रहे ऐसे ही है। अब आए हमारे साथ बुजुर्ग आदमी से बातचीत करेंगे, बादशाह से। बादशाह आप शुभ नाम कहीं है? राम जी आप 18 हमें आज 5 साल पूरा हुआ, आप 18 सालों बोर्ड दौड़ रही हो, वो हमें 5 साल पूरे हुआ चेयरमैन साहब रहे, वार्ड मेंबर और तो हमें रस्तों बनावर कोई कारण है? तो पहला भी बना सकते हैं साहब, पर बारे में आप बुजुर्ग आदमी को थोड़ी जानकारी देने चाहूँ, आप लेने चाहूँ नहीं बढ़िया दोम कोनी रोड कोनी गांव बना रहे। अच्छा दोम नहीं है? हाँ। तो हमें रोड बना दोम को टुला साहब मैं आया भी मैं। तो साहब अपन ने बेवकूफ बना रही है के कोई है तो हमें कोई सरकार ने बैलेंस डाली हो, हमें सरकार ने नहीं यही सरकार बैलेंस डाली है कोई बात है वो गवर्नमेंट दिया भाई। हाँ ठीक है सर, आप शुभ नाम भाषा आप सावला। ये हमारे साथ बादशाह सावला राम जी, अभी जो इन्हों का नियम है और गायों को रोटी देने का सुबह सुबह जा रहे हैं। बादशाह आप किस जगह रहो? थोड़ा वार्ड नंबर 35 की समी रोड। आप ये कौन सा इलाका लग रहा है? इलाका कौन सा है इसका? वार्ड नंबर 35 में भगवती स्कूल के पास में। सर ये अभी स्कूल चालू है और बच्चे भी आ रहे हैं, कई कादर किशोर हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ? ये तो छुट्टियों में होना चाहिए कि स्कूल का बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो, अब 5 साल पूरे हो रहे हैं, अब ये उन्नू की नींद खुली है, ऐसा कुछ हो सकता है सर? छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर, वो आ रहे हैं बादशाह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वास्ते खादो खिचड़ू, हमें उन्होंने स्कूल आ जाए चंडे है खाले 2-4 दिन छुट्टी होती तो आताद करी माते रोड रोड बनावे की करे कोई है विण बारे में थोड़ी खाले कागरी नागी है। हाँ नागी है विनो है हमें बाजो 10-20 दिन ये पड़ी रही 10-15 दिन पड़ी रही बच्चे बाजो रोड बनी।
अच्छा वो कॉलेज नौकी है पहला कितना दिन हुआ कॉलेज नौकी ये तो मैं हाथ दिन में दिक्कत आप ये जावे जी हैंग जगह थोड़ा थोड़ा नौके थोड़ा थोड़ा काम बह दी है मतलब ये थोड़ा थोड़ा डाला जाता है थोड़ा थोड़ा डाले था हाँ छः सात दिन हो गया बहुत दिक्कत आती सर आपका सर नाम मेरा नाम